बिल्कुल, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वे दहन ज़रूर देखें, और जो आप लोगों ने प्यार बना के रखा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वही प्यार अपना बना के रखें। हम आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और आपको निराश नहीं होने देंगे, बस आपका स्नेह प्यार और आशीर्वाद बना रहे। ऑफ कोर्स दहन का अगर आप प्रोमो देखते हो तो आपको उसके अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो, आपको उसके अंदर सस्पेंस का एलिमेंट भी है, आपको उसके अंदर राकंस भी दिखते हैं, आपको ये भी प्रॉब्लम फील आती है, देयर कुड बी समथिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वो भी हो सकता है, कोई रहस्य हो सकता है, इज इट लाइक बेस्ड इन फिक्शन, क्या ये आज की स्टोरी है, क्या ये मैथोलॉजिकल है। सो इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट करके एक तरह से हॉरर का हॉरर है, थ्रिलर है। सो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और काफ़ी अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स इन्होंने इंग्रेडिएंट्स करके एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनाया है दहन। और जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर आपको आपको वो कैसा लगा, आपको हमारा ट्रेलर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा तो आप ये देखो कि शो अलग ही लेवल पे है। इस तरह की सस्पेंस मिक्स्ड विद विद फैंटेसी मिक्स्ड विद साईफाई जैसी सीरीज इंडिया में बनती नहीं है, तो मैंने कहा कि ये तो कुछ बिल्कुल अलग सा बन रहा है। फिर पूरे जब सारे एपिसोड पढ़ लिए मैंने तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और फिर जब शूट शुरू किया हमने जयपुर में, तो जैसे जैसे सामने लोकेशंस दिखी और जिस तरह से काम हो रहा था, तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। अवनी राउत का कैरेक्टर मेरे लिए इट वॉज एन ऑनर टू प्ले सच अ कैरेक्टर, इतना कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड कैरेक्टर, और 9 एपिसोड्स के अक्रॉस इसे प्ले करना, इसकी तह तक जाना, वॉज एन एक्सपीरियंस विच आई विल नॉट फॉरगेट। वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स आई प्लेड टिल टुडे एंड वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग, फिजिकली चैलेंजिंग। सो इट्स एन एक्शन रोल, इट्स गॉट मेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज, इसमें वो सब कुछ है जो जब मैंने विक्रांत मेरे डायरेक्टर से पहली बार बात की तो मैंने उन्हें कहा आई वॉन्ट टू बी स्ट्रेच्ड, तो आई डिडंट रियलाइज कि इतना स्ट्रेच होगा।